हे स्टूडेंट्स, कैसे हो? ये आपका जो सीरीज वन है उसका पार्ट फोर है, उसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो हमने अभी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, बट बाद में देखा कि उसकी जो स्क्रीन थी वो चली गई थी, बिकॉज इसकी जो बैटरी थी वो लो हो गई थी। मैंने चार्जर लगाया बट स्टिल जो है वो चीज़ रिकॉर्ड हो नहीं पाई। मैंने दोबारा से क्वेश्चन नंबर 17 से आपकी वीडियो बनाई है, काइंडली इसको देखें आप, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज, अ डैश इज अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। मतलब एक ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है? तो इट इज अ ब्रिजवे, ठीक है? अब सर्वर, गेटवेज, लिंक, लिंक एक अलग ही चीज है, तो लिंक होता नहीं है। यहाँ पर एलिमिनेशन सर्वर की भी हो जाएगी। अब दो चीजों में जो है आपको कंफ्यूजन होगी, वन इज गेटवे एंड अदर वन इज ब्रिजवे। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ये जो ब्रिजवे है और एक ये जो गेटवे है, इस दोनों में फर्क क्या है। तो ये जो ब्रिजवे है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है, इट जॉइंस टू सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क सो दैट दे कैन लुक लाइक वन नेटवर्क। ये दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है? मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है एक नेटवर्क में, एक ये नेटवर्क है, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। सिमिलर नेटवर्क्स को ये जो ब्रिजवे है आपस में कनेक्ट करता है। इसमें जो नेटवर्क लाइन होता है उसको लगता है कि ब्रिज के थ्रू जो है कंप्यूटर्स जुड़े हैं, वो उसको लगता ही नहीं कि किसी ब्रिज ने उन दोनों को कनेक्ट कर रखा है। उनको लगता है आपस में ही ये दोनों इतने अच्छे से कनेक्टेड है नेटवर्क से। अब ये जो आपका ब्रिजवे है ये कहाँ पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन योर डाटा लिंक लेयर। ये जो OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर है, यहाँ पर आपके ब्रिजवे काम करते हैं, और वी कैन से ब्रिजेस। ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं जो है OSI मॉडल की वीडियो बनाया ही है मैंने, तो उसमें धीरे धीरे मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, काइंडली उसको देखें, ठीक है? अब ये क्या करता है, ब्रिज जो है ये कनेक्ट करता है डिफरेंट लैंड्स को, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, डिफरेंट लैंड्स को ये कनेक्ट करता है जो क्या करते हैं, सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट लैंड दैट वर्क्स ऑन सेम प्रोटोकॉल्स, ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है गेटवेज में, कि इसमें जो आपका पैकेट है वो जब रिसीवर के पास सेंड हो जाता है या रिसीवर से सेंडर जो भी है आपस में जो है पैकेट की जो कम्युनिकेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, पैकेट अपने फॉर्मेट को नहीं बदलता। अब बात करते हैं हम गेटवेज की। अब इसमें क्या आना चाहिए था, अ डैश इज अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है? अब बात आई गेटवेज की। गेटवेज क्या होते हैं, ये आपकी OSI मॉडल की सभी लेयर्स पे काम करते हैं, सारी लेयर्स के ऊपर। और क्या करते हैं ये गेटवेज, ये नेटवर्क पे पैकेट ट्रांसफर करेगा जो बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। इसमें सेम प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क जो हैं आपस में कनेक्टेड थे, ये जो गेटवे है ये आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है और आपके पैकेट्स को उसमें ट्रांसफर करता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिजवे कहाँ पर इंस्टॉल होता है, ये आपके राउटर्स में जो है आपके गेटवेज इंस्टॉल होते हैं। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पहले और क्या पढ़ा था हमने ब्रिजवे में, क्या पढ़ा था कि जो आपके पैकेट्स हैं वो अपना फॉर्मेट को नहीं चेंज करते, नहीं बदलते, बट इन गेटवेज आपका जो पैकेट्स है वो अपना फॉर्मेट जो है वो बदलते हैं, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडहॉक क्वेरी इज, एडहॉक क्वेरी होती है अ प्री प्लान्ड क्वेश्चन, पहले से ही प्लान जो क्वेश्चन होता है उसी को हम एडहॉक क्वेरी बोलते हैं। अब नीचे कई बार आपने देखा होगा ना एक पॉपअप बना आता है उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, तो वही आपकी एडहॉक क्वेरी होती है। तो इसके बारे में एडहॉक नेटवर्क जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट? साइट लाइसेंस पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, नेटवर्क पायरेसी या डाटा पायरेसी? तो आपका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका मतलब है कोई भी आपका नेटवर्क है उससे हमने किसी सॉफ्टवेयर को कर लिया डाउनलोड, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, मल्टीपल प्रोग्राम्स की हेल्प से, ये भी हमने करा था। काइंडली मेरी पुरानी स्लाइड जरूर देखो। मल्टीपल प्रोग्राम्स की वजह से या फिर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको सॉफ्टवेयर बनता है। अब इस सॉफ्टवेयर को हमने एक नेटवर्क से कर लिया डाउनलोड, उस सॉफ्टवेयर में हमने क्या करा, कॉपी करा और अलग अलग मल्टीपल कॉपीज बना के उस सॉफ्टवेयर को हमने मार्केट में बेच दिया, ठीक है? उसको क्या बोलोगे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं ना, पायरेटेड है। तो इसका मतलब यही है, कॉपी करके उसको
फिर हम सस्ते दामों में उसको मार्केट में बेच देते हैं या फिर उसको महंगे दामों में। अगर मान लो हमारे पास कोई वर्जन ऐसा आ गया जो भाई मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी शॉर्टेज है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, पायरेसी पायरेटेड उसमें बेच देते हैं। सिमिलरली मूवी के साथ होता है, हमने डाउनलोड करी, हमें मूवी मिल गई, अभी रिलीज भी नहीं हुई, और हमने क्या करा, उसकी कॉपीज बना के हमने क्या कर दी, बेच दी। ठीक है, इसे को हम पायरेसी बोलते हैं। तो किसी चीज की पायरेसी हो सकती है, आप मूवीज की, आपकी एल्बम्स की, सॉन्ग्स की, एनीथिंग। बाय डिफॉल्ट अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड इन, अगर बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिंट होता है, आपका पोर्ट्रेट में, आपके दो चीजें वहां पर आती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रिंट व्यू और पेज सेटअप एलिमिनेशन से कैंसिल होंगे। तो पोर्ट्रेट आपका इस तरीके से दिखेगा और लैंडस्केप जो है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, ये भी आपका एलिमिनेशन से होगा। वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल क्या है, ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फायरफॉक्स इज योर वेब ब्राउजर, जहां से आप अपनी चीजों को ब्राउज करते हो, सर्च करते हो। कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ विच सिग्नल, जो आपका कंप्यूटर है वो डाटा लेता और देता किस फॉर्म में है, वो एनालॉग में। मतलब डाटा तो आपका एनालॉग में आएगा, एनालॉग सिग्नल्स बनते होते कैसे हैं, इस तरीके से। ठीक है, जब उसको वहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स उसने ले लिए, तो आपकी जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग होगी, स्टोर एंड प्रोसेस, ये होता है आपका डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स होते हैं आपके, डिस्क्रीट, इस तरीके से। ठीक है, 0101 की फॉर्म में आपके आते हैं डिजिटल सिग्नल्स, और एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। पता होगा आपको, ये जो डाटा होता है ये दो तरीके का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। अब ये एनालॉग डाटा होता है ह्यूमन वॉइस या फिर कोई भी फिजिकल स्टेज जिससे हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब डिजिटल हो जाता है आपका, जैसे फाइल, डिस्क, जो भी इंफॉर्मेशन हमारा डिस्क्रीट स्टेट में होती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा कि पहले जैसे हम कम्युनिकेशन करना है तो सिग्नल्स की हेल्प से करेंगे, पहले वो ईएम सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर वहां से तो ईएम सिग्नल्स आपके एनालॉग ही होंगे काइंड ऑफ। तो ये सब चीजें आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं और वो वाले सिग्नल्स जो है कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। अभी आपको बस यही याद रखना है कि हमारा जो कंप्यूटर सेंड करता है डाटा और रिसीव करता है, उसको एनालॉग सिग्नल्स में करता है। अ CDRW डिस्क, इट कैन बी इरेज एंड री रिटन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोई कंपनी ओन नहीं करती और लाइसेंस नहीं होता, तो इट इज लाइनक्स। पहले वाली वीडियो जरूर चेक करो, उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है, और फिर ये भी बताया है कि ये वाले जो मैक, विंडोज, यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के द्वारा ही जो है लाइसेंस्ड होते हैं, और इसमें जब भी कोई अपडेशन वगैरह आती है, कंपनी जो होती है इनकी लाइसेंस्ड कंपनी ही इसको अपडेट कर सकती है और कोई चेंजेस इसमें कर सकती है। लेकिन लाइनक्स जो सॉफ्टवेयर है ये आपका क्या होता है, फ्री होता है, कोई भी इसको लेके डाउनलोड करके आपका चेंजेस करके फर्दर जो है आगे सेल कर सकता है। ठीक है, या उसको बेच सकता है, मार्केट में स्प्रेड कर सकता है। ये जो लाइनक्स है इसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो इसकी चेंज करे, इसको हम खुद से ही चेंज करके इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ये वो कोडेड एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड्स। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कमांड, तो उसको क्या बोलते हो आप, फेचिंग, कमांड फेच करना। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मान लो सी हमने खोला हुआ है, सी लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें हम कुछ भी कमांड या प्रोग्राम लिखते हैं कि मान लो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, और हम ए प्लस बी वाली कमांड को फेच करवाते हैं कि भाई ए प्लस बी को मेरे को दो नंबर्स हैं जिसको मुझे ऐड करवाना है। तो उस टाइम जब हम इसको इम्प्लीमेंट करा रहे होंगे, तो उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बोलेंगे फेचिंग। जब ये फेच हो जाएगा और ये प्रोसेस हो रहा होगा, ए प्लस बी का ये जो प्रोसेस है ये जब हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे, और जब ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन। तब ये एग्जीक्यूशन मोड पे होता है जब ये चीज इसकी प्रोसेसिंग होती है, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है,
फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वी यूज विच कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम फाइल मेन्यू में से कौन सी कमांड को चूज करेंगे? वी विल चूज न्यू कमांड। ठीक है, न्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपका एक नया डॉक्यूमेंट जो है खुल जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सिलेक्ट अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे और वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। If you want to move an icon on desktop, it is known as। अब कोई भी आइकन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फोल्डर बनाया हुआ मैंने अपना पर्सनल, मैं उस फोल्डर को मूव कर देती हूँ इस पोजिशन से इस पोजिशन पे अपने डेस्कटॉप पे, तो जो हमारा ये प्रोसेस ऑफ मूविंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। इंफॉर्मेशन जो हमारा कंप्यूटर में स्टोर होती है, हमने क्या पढ़ा था, वो एज अ डिजिटल डाटा स्टोर होती है और प्रोसेसिंग भी उसकी डिजिटल डाटा में होती है। लेता इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं हम उसको? एनालॉग डाटा की फॉर्म में, और देता भी जो है कंप्यूटर हमारा वो एनालॉग डाटा ही देता है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर दिस स्लाइड। आई होप पसंद आया होगा सेशन। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। दूसरा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्टे सेफ स्टे हेल्दी प्लीज़। बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, आपको पता ही है कि जो रशिया है उसने आपकी क्लेम कर दिया है कि हमने भाई अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, बट एम्स ने अभी भी, जो आपके ने डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर इंडिया में इसके ट्रायल्स बाकी हैं, मतलब इंडिया हम इसकी ऑथेंटिसिटी को पहले वेरीफाई करेंगे तभी हम इस वैक्सीन को इंडिया में ला सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम नहीं सोचे, हम नहीं कहेंगे कि कोई वैक्सीन आ गई है, बट रशिया ने यू नो क्लेम किया है कि उनकी डॉटर को ही जो है वो वैक्सीन लगी थी। दूसरा चीज़ आपको ज़रूर देखना कि जो मोदी जी हैं उन्होंने टैक्स में इस टैक्स सिस्टम में कुछ रिफॉर्म लेके आए हैं, तो क्या बोले वो इसमें कि आपके इतने जितने भी आपके जनता रह रही है इंडिया में उसमें सिर्फ 1 करोड़ जनता ऐसी है जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है। उन्होंने ऐसा एक चीज़ कर दी है जिसमें जो है आपका जो भी टैक्सेशन का सिस्टम है वो डिजिटल हो जाएगा, मतलब जो भी टैक्स फाइलिंग वगैरह है वो आपकी डिजिटल उसमें आ जाएगी। मतलब ये जो बीच के है ना, आप समझ रहे हो ना कौन आदमी, वो निकल जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो बन जाएगा काइंड ऑफ, तो ऐसा मोदी जी ने बोला है। सो लेट्स सी। और ये भी कहा है कि जो भाई रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, बेसिकली रेगुलर टैक्स पेयर्स होते कौन है आपके? सिर्फ जो आपके गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं ना वो रेगुलर टैक्स पेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी आती है वो टैक्स कटने के बाद आती है, क्योंकि सैलरी का नंबर तो उनका बहुत बड़ा दिखता है बट टैक्स इतना ह्यूमज अमाउंट में कट जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं ये कभी भी टैक्स चोरी नहीं करते हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला है कि इन लोगों के लिए कुछ मिलेगा और बेनिफिट होगा इनको, तो देखो क्या बेनिफिट होता है। बट स्टिल मोदी जी गवर्नमेंट जॉब में जो भी काम कर रहा है वो रेगुलर टैक्स पेयर ही है आपका। ठीक है, चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।